नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल मैथ ज्ञान भाई एसके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फैक्टराइजेशन, गुणनखंड। तो गुणनखंड के बारे में एक क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम RRB ग्रुप डी में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे मैंने 12 लिख दिया, तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे? तो दोस्तों, गुणनखंड का मतलब है ऐसी संख्या जिसका 12 में भाग जाए पूरा पूरा। तो एक है, एक का भी जाता है, दो का भी जाता है, तीन का भी जाता है, चार का भी, छः का और 12 का। तो इस तरह से ये सभी संख्याएं हैं जिनका 12 में भाग जाता है। तो दोस्तों, ये क्या हो गए इसके फैक्टर? तो कितने फैक्टर हो गए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए दोस्तों? यहाँ 6। और दोस्तों, यहाँ कुछ इवन भी है, कुछ ऑड भी है। तो इवन कितने हैं, इवन फैक्टर कितने हो गए? यहाँ इवन फैक्टर है, दो इवन है, चार इवन है, छः इवन है और 12 इवन है। तो ये चार फैक्टर इवन मतलब सम हो गए। ओड की बात करते हैं, विषम कौन से हैं दोस्तों? तो एक और तीन क्या है, विषम है। तो दो फैक्टर क्या हो गए, ओड। और इसमें देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर है? जैसे 1 है और 4 है। तो ये दो फैक्टर क्या हो गए, परफेक्ट स्क्वायर। और इसमें प्राइम फैक्टर की बात करते हैं, प्राइम फैक्टर कितने हो गए दोस्तों? यहाँ प्राइम फैक्टर, जैसे प्राइम नंबर, 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम फैक्टर हैं। तो प्राइम फैक्टर कितने हो गए, 2। तो इस तरह से हम देखते हैं। अब ये 12 एक छोटी संख्या थी, इसको हमने ऐसे निकाल लिया, लेकिन बड़ी संख्या रहेगी तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ 1296। अब 1296 के फैक्टर हमें निकालने हैं। 1296 कैसे निकालेंगे दोस्तों? ऐसे एक सिंबल बनाते भाग का, 1296, इसमें 2 का भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, 6 4 48, 648 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देते हैं, 3 2 4, 324। फिर 2 का भाग देते हैं, 2 एकम 2 बच गया, 6 2 6 12 और 2 2 4। फिर 2 का भाग देते हैं, 81 बार जाएगा। फिर अब 3 का भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, 27 बार। फिर 3 का भाग देते हैं, 9 बार। फिर 3 का भाग देते हैं, 3 बार। और लास्ट में 3 का भाग देते हैं, 1 बार। तो इस तरह से ये इसके फैक्टर, ये इसके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1296 को? 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है। तो 2 की पावर 4। और 3 को कितनी बार है, 1 2 3 4, 3 की पावर 4। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं। अब दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या रहेंगे, जो इनकी पावर है उनका, उनमें एक एक जोड़ देंगे। तो 4 प्लस 1 और 4 प्लस 1, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 5 25। तो 25 आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। दोस्तों, इवन फैक्टर निकालने हैं। इवन फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, जो 2 की पावर है उसको सेम लिखते हैं, और बाकी पावर होती है उनमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस पावर में क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, तो 5, तो कितना आ जाएंगे, 20। तो इवन फैक्टर कितने आ गए, 20। दोस्तों, टोटल फैक्टर हैं 25, इवन है 20। तो ओड फैक्टर क्या आ जाएंगे, टोटल में से इवन घटा देंगे तो क्या आएगा, ओड। तो 5 क्या आ जाएगा, ओड फैक्टर। दोस्तों, अब एक ऐसे पूछा जाता है कि प्राइम फैक्टर कितने होंगे, प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम जो पावर है उन सभी को जोड़ देते हैं। तो 2 की पावर 4 है और 3 की पावर 4 है, 4 और 4 को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 8। तो 8 क्या है, प्राइम फैक्टर। अब पिछली बार जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1296 में कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो 1296 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4। तो दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, जो 2 की पावर 4 है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4। इसी प्रकार 3 की पावर 0, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब इवन पावर रहेगी। तो 0 रहेगी तब बनेगा, 2 रहेगी तब बनेगा, और 4 रहेगी तब बनेगा। इधर 0 रहेगी तो बनेगा, 2 रहेगी तो बनेगा, और 4 रहेगी तो।
तो कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, तीन ये हैं और तीन ये, तो 3 × 3 करते हैं तो कितना आता है 9, तो 9 क्या आ जाएंगे, परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे कितने 9। ऐसे कितने फैक्टर हो जाएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, वो हो जाएंगे 9। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, इससे आपको और अच्छी तरह क्लियर होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है 1080, तो 1080 को हम ऐसे ही भाग का सिंबल बना के ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे 2 का भाग देंगे, इवन इनमें प्राइम नंबर का ही भाग देते हैं, 2 का जाने के बाद 2 का नहीं जा रहा, फिर 3 का देते हैं, फिर 5 का, इस तरह से देते हैं। तो दोस्तों हम 1080 को क्या लिख सकते हैं, 36 × 30, क्या लिख सकते हैं 36 × 30, और 36 को क्या लिखेंगे 6 × 6, और 30 को क्या लिखेंगे 3 × 10, क्योंकि इन्हें प्राइम नंबर में ही तोड़ना है। तो अब 6 को क्या लिखेंगे 2 × 3, और 6 को क्या लिखेंगे 2 × 3, और 3 ये एज इट इज आ जाएगा, और 10 को क्या लिखेंगे 2 × 5। तो दोस्तों 2 यहाँ कितने आ गए, 2 कितनी बार है, 1 है, 2 है, 3 है, 3 बार 2 है, तो 2 की पावर 3, और 3 कितनी बार है, 1, 2, 3, तो 3 बार 3 है, और 5 कितनी बार, 1 बार, 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, और 3 कितनी बार है, 1, 2, 3, तो 3 बार 3 है, और 5 कितनी बार, 1 बार। तो ये इस तरह से ऐसे भाग से करेंगे तो हमें ऐसे ही प्राप्त होगा। तो अब क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, तो क्या करेंगे, सभी पावर में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 में 1 ऐड करेंगे, इस 3 में 1 ऐड करेंगे, और 1 में कितना ऐड करेंगे, 1। अब ये कितना आ जाएगा, 5 × 4 × ये 4 हो गए, ये भी 4 हो गए, और ये 2 हो गए, 4 × 16 और 16 × 32, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, 32। इवन फैक्टर की बात करते हैं, तो इवन फैक्टर कितने रहेंगे दोस्तों, इवन में क्या करेंगे, 2 की पावर को एज इट इज रखेंगे, और बाकी में 1 ऐड कर देंगे, तो 4 × 2, तो कितना आ जाएगा 24। तो ओड फैक्टर निकालते हैं, तो ओड कितने आएंगे, टोटल में से इवन घटाएंगे तो ओड आ जाएंगे, 32 में से 24 घटाएंगे, कितने आ जाएंगे 8। तो इस तरह से ये ओड फैक्टर आ गए। अब दोस्तों प्राइम फैक्टर निकाल लें, तो प्राइम फैक्टर के लिए क्या करेंगे, इन सभी पावर को जोड़ देंगे, जो पावर है इन सभी को जोड़ देंगे, 3, 3 और 1, 3 + 3 + 1, इन सभी को जोड़ते हैं तो कितना आता है 7। तो 7 क्या है, प्राइम फैक्टर। और दोस्तों अगर परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर की बात करते हैं, तो वो कितने आएंगे, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर में यहाँ इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखते हैं हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, क्योंकि 4 हो नहीं सकती, क्योंकि 3 तक है ये, और 3 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 2, और 5 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर 0। तो इस तरह से अब ये कितने आ जाएंगे, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, ये 1 हो गए, तो 2 × 2 × 1 कितना आ जाएगा 4। तो 4 ऐसे फैक्टर रहेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर हैं। आप उनको निकाल भी सकते हैं, जैसे 2 है तो इसको एक फैक्टर तो 1 आ जाएगा, फिर 2 को 2 की पावर 2 है तो उसको इससे 4 से 4 हो गया, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, 1 से गुणा करेंगे 1, 4, तो 1, 4 इस तरह से ही आ जाएंगे, 1, 4, 36, और कौन सा आ जाएगा, इस तरह से 1, 216 आना चाहिए, 1, 216 हो जाएगा, 216 तो ये क्यूब है, इसमें क्या आएगा 64 आ जाएगा, 64 64 नहीं, इस तरह से कुछ आ जाएगा, तो आप ये निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो क्वेश्चन है दोस्तों 480, 480 के आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने, इवन फैक्टर बताने, और ओड फैक्टर बताने, और इसमें बताना है प्राइम फैक्टर बताने, और यहाँ बताना है आपको एक परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने हैं। तो ये सभी आपको बताने हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।